नमस्कार स्टूडेंट्स, दिस इज मुनीश शर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा। कैपेसिटर में हमारा अभी सीरीज चल रहा है। इसके पहले हम कैपेसिटर पे दो लेक्चर कर चुके हैं, लेक्चर 1, 2, और इस सीरीज में ये तीसरा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर आई होप आपको पसंद आए होंगे, कैपेसिटर को समझने में ये बहुत हेल्पफुल साबित हुए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं, जो स्टूडेंट आज पहली बार मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, उनसे मेरा एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि वो पिछले लेक्चर जरूर देखें, ताकि ये आपको आने इस लेक्चर को भी समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज हम डील करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन कितने किस्म का होता है और उसमें नेट कैपेसिटेंस कितना होता है, आज ये हमारा टॉपिक रहेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को हम डिफरेंट तरीके से कंबाइन कर सकते हैं और उससे हमें एक इफेक्टिव वैल्यू या एक नेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस मिलता है। यहां पे हम दो इजी वे कॉम्बिनेशन के पढ़ने वाले हैं, दो सिंपल पॉसिबिलिटीज पढ़ने वाले हैं, और वो पॉसिबिलिटीज हैं नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बच्चों सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो उन कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। जब हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, उनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सेम होता है। पर सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस सेम रहते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिफरेंट रहते हैं कैपेसिटर के ऊपर। तो आइए सबसे पहले स्टडी करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट वी आर हैविंग टू कैपेसिटर्स, capacitors having capacitance C1 and C2 are combined in series. और we have connect, इसको हमने इस प्रकार connect किया है, the left plate of C1 and right plate of C2 are connected to the two terminal of batteries having charges Q and minus Q respectively. तो इसकी वजह से C1 के लेफ्ट टर्मिनल पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और C2 के राइट टर्मिनल पे आ जाएगा चार्ज माइनस क्यू। कैपेसिटर के क्वेश्चन में ये बात हमेशा याद रखना है, जो एक टर्मिनल पे एक प्लेट के ऊपर चार्ज रहता है उतना ही ऑपोजिट चार्ज दूसरी प्लेट के ऊपर रहता है। सब यहां पे द C1 लेफ्ट प्लेट ऑफ C1 इज हैविंग प्लस क्यू चार्ज, सो द राइट प्लेट ऑफ C1 विल ऑल्सो हैव माइनस क्यू चार्ज। In the same manner, C2's left plate will have plus Q charge and C2's right plate would have minus Q charge. अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, अगर different charges हों तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा उसका। अगर ये charge same ना हो के, जैसे अभी plates के ऊपर ये charges जो हैं वो same हैं, अगर ये charges same ना हों तो क्या होगा? तो ये जो charge हैं, मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 होता, different होते, तो और यहां पे भी डिफरेंट चार्जेस होते, तो उसका क्या परिणाम निकलना था? उसका परिणाम ये निकलना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाना था बीच में और चार्ज ने फ्लो करने शुरू कर देना था एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, और तब तक फ्लो करना था जब तक कि चार्ज जीरो ना हो जाए, तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए सेम चार्जेस रहते हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। तो इस सीरीज में, इस लेक्चर्स में मैं आपको साथ साथ में नोट्स लिखने का भी ऑप्शन दे रहा हूं, तो पहले आप टॉपिक अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद आप पॉज करके इसको, हर एक स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट्स, पूरे फुल नोट्स हैं ये, आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं। तो thus in series combination the charges on two plates plus q and minus q are the same on the each capacitors। रीजन मैं आपको समझा चुका हूं, आपको क्वेश्चन में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ पर पता जरूर होना चाहिए जो कि मैं आपको बता चुका हूं। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, अब यहां पे मैंने जैसे बोला इसके अक्रॉस सपोज है V1 और जो सेकेंड कैपेसिटर है उसके अक्रॉस है सपोज V2, पर टोटल सिस्टम का जो पोटेंशियल है उसको हम बोल देते हैं सब इट इज V, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। So V is equal to V1 plus V2 and it is equal to Q का वैल्यू, आप V का वैल्यू आपको पता क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चार्ज है Q और पोटेंशियल है V1, इसीलिए V1 का वैल्यू हो गया, सॉरी फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चार्ज है Q और
कैपेसिटेंस है सी वन, तो उसके लिए वी वन का वैल्यू हो गया क्यू अपॉन सी वन। इसी तरीके से इन द सेम मैनर फॉर द सेकेंड कैपेसिटर वी टू, वी टू इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज इसके ऊपर है क्यू, पोटेंशियल है वी टू, तो यह बन गया क्यू अपॉन सी टू। और टोटल वैल्यू क्या बन गया, Q अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू, तो दिस इज कंबाइंड वैल्यू ऑफ V। नाउ अगर ये पूरे कैपेसिटेंस का पूरे एक कॉम्बिनेशन को एक कैपेसिटर की तरह कंसीडर करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल देते हैं हम उसको। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो कि दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, उसका पोटेंशियल है V और चार्ज इज Q, और इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस मान लेते हैं C। तो V का वैल्यू किसके बराबर होगा, द वैल्यू ऑफ वी, वैल्यू ऑफ सी कुड बी रिटन एज, उसके उससे पहले हमने क्या किया वैल्यू, यहां पे हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया। जैसा कि आप फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लें कि सिंस वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू, यहां पे हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, हम क्यू को ले जा रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन में, तो जो फर्स्ट टर्म है वी अपॉन क्यू हो गया, और यहां पे बन गया, इसको हम छोड़ देंगे बीच में से v1 प्लस v2 को, तो v जो बन गया v यहां पे बन गया v by q, और यहां पे q से डिवाइड होने के बाद बच गया 1 by c1 प्लस 1 by c2, और सॉल्व करने के बाद हमें इक्वेशन मिल गया 2, दैट इज v अपॉन q इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2। जैसा मैं अभी पहले डिस्कस कर चुका हूं कि इफेक्टिव कैपेसिटर जो है इन दो कॉम्बिनेशन से मिलके जो कैपेसिटर बन रहा है उसके ऊपर है चार्ज Q, उसके ऊपर है पोटेंशियल V, और उसका कैपेसिटेंस है C। तो उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला C जो है वो इक्वल होगा Q अपॉन V। अब Q अपॉन V को हम दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 3। साथ में ही अगर आप 1 बाय सी का वैल्यू लिखें तो 1 बाय सी बन जाएगा, ये भी इक्वेशन रेसिप्रोकेट हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो Q अपॉन V का बन जाएगा V अपॉन Q, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो अब ये इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे, यानी हम ये जो है V अपॉन Q का वैल्यू जो है जो इक्वेशन 4 से मिल रहा है उसे इक्वेशन 2 के V अपॉन Q की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो V अपॉन Q की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, इट इज 1 अपॉन C। तो अगली इक्वेशन में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो combining this equation we get what we get 1 upon c is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2। तो बच्चों ये है हमारे पास required formula, तो ये required formula है अगर capacitor को हम series में जोड़ें तो उसका net capacitance का reciprocal होता है equal to reciprocal of capacitance of first capacitor plus reciprocal of capacitance of second capacitor। अब बच्चों पिछली क्लासों में आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि जब रजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उसका वैल्यू से ये उलट होता है। चलो वो रजिस्टर के वैल्यू हम बात अभी प्लस टू के टॉपिक में भी करेंगे, तो चलो अभी कैपेसिटर के लिए ही याद रखिए आप, तो 1 अपॉन C नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू व्हेन दे आर कंबाइंड कैपेसिटर्स आर कंबाइंड इन सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। पर क्या ये सिर्फ दो ही कैपेसिटर के लिए लागू होता है, नो काफी सारे कैपेसिटर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कैपेसिटर हो सकते हैं। सपोज हम n नंबर ले लिया, हमने हमारे पास है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो 1 अपॉन c इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा 1 अपॉन c1 1 अपॉन c2 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन cn। तो जितने मर्जी नंबर कैपेसिटर हो हम इस रिजल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं, याद रहना चाहिए, डेरिवेशन भी आना चाहिए, और बाद में हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी डील करेंगे अगले लेक्चर में। तो अब बात करते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। जब कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो टू कैपेसिटर अरेंज्ड इन पैरेलल तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो यह पहले भी डिस्कस कर किया था मैंने आपके साथ ये, और चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो सपोज फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है प्लस माइनस क्यू वन एंड सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है प्लस माइनस क्यू टू, और पोटेंशियल तो उनके अक्रॉस सेम है। फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज मैं रिवर्स करके बता देता हूं, तो कैपेसिटर फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट पे लेफ्ट चार्ज Q1, और इसी तरीके से सेकेंड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पे चार्ज Q2, एंड इसी तरीके से इन द सेम मैनर
चार्ज ऑन द राइट प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर माइनस क्यू वन अपॉन माइनस क्यू, और दूसरे पे माइनस क्यू टू सी टू कैपेसिटर के लिए। अब अगर आप पूरे सिस्टम पे चार्ज की बात करें, चलो उसको करने से पहले हम इंडिविजुअल कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला, एक जनरल फार्मूला तो हमें पता है कि क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चार्ज क्यू वन इज इक्वल टू सी वन इंटू वी, एंड सेकेंड कैपेसिटर के लिए चार्ज क्यू टू इज इक्वल टू सी टू इंटू वी। इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं। अब टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, तो टोटल सम ऑफ चार्ज के बराबर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पढ़ चुके हैं वो लॉ भी आप। तो Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दैट इज चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर प्लस चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट कैपेसिटर है और उसके ऊपर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका C, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो Q का फार्मूला बन गया Q इज इक्वल टू सी वी। आइए अब इक्वेशन नंबर टू में, आइए अब इक्वेशन नंबर टू में हम इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री का वैल्यू पुट कर देते हैं। Q1 और Q2 का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, Q1 और Q2 की जगह पे, और Q की जगह वैल्यू डाल देते हैं ये Q का, दैट इज सी वी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन एंड थ्री इन इक्वेशन टू, वी गेट, तो जैसा हमने Q की जगह अब लिख दिया सी वी, और Q1 का वैल्यू C1V और Q2 का वैल्यू C2V। आप एक देख सकते हैं V इज कॉमन इन दीज थ्री टर्म्स, V इज कॉमन इन ऑल दीज टर्म्स, तो डिवाइडिंग बाय V बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट, वी गेट कैंसल्ड। तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया C, नेट कैपेसिटेंस इन दिस कॉम्बिनेशन इज C1 प्लस C2, मतलब जब आप पैरेलल में जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को तो नेट कैपेसिटेंस जो है वो दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के सम के बराबर होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड वी कनेक्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज और इन पैरेलल। और ये रिजल्ट सिर्फ दो कैपेसिटर तक ही सीमित नहीं होता, सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह इट कैन बी जनरलाइज टू द एन वैल्यूज। सपोज वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो उनका जो नेट कैपेसिटेंस सी होगा दैट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सो ऑन अप टू सी एन, मतलब एन कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस है सी वन सी टू सो ऑन टू सी एन, तो उनका नेट कैपेसिटेंस सम करके आ जाएगा। तो बच्चों ये दोनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट इन द सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, इन सीरीज व्हेन वी आर कंबाइनिंग कैपेसिटर्स इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय रेसिप्रोकल of capacitance 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. In the same manner, in the parallel capacitors, in the parallel combination, capacitance simply add करके मिल जाता है, जैसे C net capacitance है, तो total capacitance आ गया C1 plus C2. और इसके साथ ही अब हम करेंगे अगले lecture में problem deal. तो इसी के साथ ही आज का lecture complete होता है, और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स इसके ऊपर बेस्ड कुछ डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को अगर आप इस तरीके से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं या पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।